Good morning, students. I am Anushree, your new EVS teacher. Gunjan ma'am is not well these days. That is why I am going to take your class from today onwards. Ma'am has taught you about lesson 4, the nervous system. Let me give a brief review about the chapter. We learn about our surroundings through the sense organs. हम अपने सराउंडिंग में किससे सीखते हैं, अलग अलग थिंग्स किससे लर्न करते हैं, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. द सेंस ऑर्गन्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग ऑन देयर ओन. जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो अपने आप किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती. दे आर लाइक रिसीविंग सेंटर्स. दे जस्ट रिसीव द सेंसेशन विच आर फर्दर पास्ड इनटू द नर्वस सिस्टम. जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेंसेशंस को रिसीव करती हैं जिन्हें हम फर्दर पास करते हैं किसमें, नर्वस सिस्टम में. द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है वो डिफरेंट पार्ट से बनती है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इसमें इंक्लूड होते हैं. Ma'am has taught you about it in detail. So today we are going to discuss about our next topic, reflex action. Tell me one thing, what will happen if you accidentally touch a thorn? अगर आप एक thorn को accidentally touch कर लोगे तो क्या होगा? You withdraw your hand quickly. आप अपनी hands को क्या करोगे? एकदम से ही दूर कर लोगे. करोगे ना? क्या आप उसमें पहले सोचोगे, क्या आप थिंकिंग करोगे, क्या आप सोचोगे कि हमें हैंड को हटाना है या नहीं? नो, यू विड्रॉ योर हैंड क्विकली विदाउट थिंकिंग. दीज एक्शन आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. सी, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन रिस्पॉन्सेज. जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो होती है सडन रिस्पॉन्स. जो हम अचानक से रिस्पॉन्स देते हैं दैट आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज़ एन एक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग. इस एक्शन में थिंकिंग कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती. रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है. एज सून एज यू फील पेन इन द स्किन ऑफ द फिंगर, जैसे ही आपकी फिंगर के स्किन पे पेन फील होती है, द सेंसरी नर्व सिस्टम सेंड्स अ मैसेज टू आर स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती है वो मैसेज भेज देती है स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द मोटर नर्व्स. और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी मोटर नर्व्स को ऑर्डर करती है. क्या ऑर्डर करती है? मोटर नर्व्स ऑर्डर मसल्स टू विदड्रॉ योर हैंड. वो ऑर्डर करती है कि आप अपने हैंड को हटा लो. इसी तरह एग्जाम्पल, व्हेनेवर वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी विड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली. जैसे आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, सपोज आपने किसी हॉट यूटेंसिल को पकड़ा और आपने कैंडल की जो फ्लेम है उसको टच कर लिया गलती से, तो आप क्या करते हो? यू इमीडिएटली विड्रॉ योर हैंड. इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू स्पाइनल कॉर्ड. और जो ये प्रोसेस था, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजता है मोटर नर्व को, मोटर नर्व मैसेज भेजती है मसल्स को, और हम अपने हैंड को विड्रॉ कर लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर रीडिंग सेक्शन. सो ओपन पेज नंबर 43. हैव यू ओपन पेज नंबर 43 स्टूडेंट्स? यस. आवर टुडेज टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन. हाउ डू यू रिएक्ट इफ यू टच अ थॉर्न एक्सीडेंटली? आप कैसे रिएक्ट करोगे जब आप एक थॉर्न को एक्सीडेंटली टच कर लोगे? यस, यू विड्रॉ योर हैंड वेरी क्विकली इवन विदाउट थिंकिंग. आप अपने हैंड को जल्दी से पीछे कर लोगे और बिना कुछ सोचे समझे करोगे ना ऐसा ही. सम एक्शंस आर वेरी फास्ट एंड ऑटोमेटिक. कुछ एक एक्शंस होते हैं जो बहुत ही फास्ट होते हैं और ऑटोमेटिक होते हैं. यू कैन एक्ट विदाउट थिंकिंग, और जिसमें आप ज़रा सा भी, आप बिल्कुल भी बिना सोचे आप वो काम करते हैं. सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर सडन एक्शंस, कि जिसमें हमें ज़रा भी सोचने का मोमेंट नहीं मिलता. जैसे ही कुछ एक्सीडेंट होता है हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं.
रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. डू यू नो कि जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं. व्हेन अ थॉर्न प्रिक्स योर फिंगर यू फील द पेन इन द स्किन ऑफ द फिंगर. जैसे ही आपको एक थॉर्न काटा चुभता है ना फिंगर में, तो हमें क्या होता है कि फिंगर की जो हमारी स्किन है वहाँ पे हमें बहुत पेन होता है. हेयर रिसेप्टर सेंस ऑर्गन इज स्किन. यहाँ पे जो हमारा रिसेप्टर सेंस ऑर्गन है वो हमारी स्किन होती है. द सेंसरी नर्व्स सेंड अ मैसेज टू स्पाइनल कॉर्ड. और जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो मैसेज भेजती है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में. द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द मोटर नर्व्स. और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो किसको ऑर्डर करती है, मोटर नर्व्स को. एंड मोटर नर्व्स ऑर्डर मसल्स टू विदड्रॉ योर हैंड. और जो हमारी मोटर नर्व्स होती है वो किसे ऑर्डर करती है, हमारी मसल्स को, ताकि हम अपने हैंड को विदड्रॉ कर ले. हियर मसल्स आर द इफेक्टर ऑर्गन. और जो हमारे यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इफेक्टर ऑर्गन. नाउ लुक एट दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस. द थॉर्न इज टच. एज सून एज द थॉर्न इज टच द नर्व्स कैरीज मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारी नर्व्स होती है वो मैसेज किस तक पहुँचाती है, टू अ स्पाइनल कॉर्ड. एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स यू टू विदड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली. और इसी प्रोसेस में क्या रहता है, रिस्पॉन्स क्या मिलता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या आपको इंस्ट्रक्ट करती है, दैट यू शुड विदड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली. दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू teach you about the five sense organs in detail. So till then, read this chapter till reflex action. Thank you, students. Goodbye.